नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमाल है यार में। और जब से ये जो न्यूज़ें आ रही हैं, अब अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे, पहले ये कह रहे थे सितंबर में स्कूल खुलेंगे, उससे पहले ये कह रहे थे अगस्त में स्कूल खुलेंगे, तो इसे लेकर जो 12वीं से नीचे या 12वीं के स्टूडेंट हैं उनके में एक शंका सी उत्पन्न हो चुकी है कि हम स्टडी कैसे करें, आगे फिर स्टडी कैसे चलेगी, या फिर हमारा तो भविष्य खराब होता जा रहा है। आनी भी चाहिए ऐसी थिंकिंग, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, आगे की स्टडी नहीं चल रही। और वैसे हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन स्टडी करें, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ऑनलाइन स्टडी का ऑफर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, क्योंकि उनके घर में ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं नहीं, जैसे फ़ोन नहीं है किसी के घर में, तो वो कैसे स्टडी करेगा। तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले ही दिन देखा था कि गाइडलाइन जारी हुई थी, और गाइडलाइन जारी होने के बाद हमने क्या कहा, हमने देखा कि अनलॉक फोर में भी स्कूल नहीं लगेंगे। अब अनलॉक फोर में स्कूल नहीं लगेंगे, इसका मतलब है अगले महीने में लगेंगे, और इससे पहले भी हमने देख लिया है, इससे पहले भी हमने 2 महीने वेट कर लिया है कि अगले महीने में लगेंगे, फिर अगले महीने में लगेंगे, फिर भी नहीं लगे। तो दैट्स फाइनली ये होता है कि आगे भी शंका उत्पन्न हो रही है कि भाई अक्टूबर में भी कन्फर्म लग जाएंगे क्या। अगर ऐसा हो जाता हमारे दिमाग में कि अक्टूबर में कन्फर्मली स्कूल लग जाएंगे, तो हम सोचते ठीक है अक्टूबर से हम तैयारी करना शुरू कर देंगे, एक महीना और से सही। लेकिन ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा का कि एकदम 100% अक्टूबर में स्कूल लग जाएंगे। तो हमें अब ऐसा करना चाहिए कि हमने अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, जैसे मान लो कि एक गांव है, तो उसमें मान लो 500 घर हैं। सपोजली आज की दुनिया में जैसे अपना स्टडी रेट है, जो एजुकेशन रेट है, वो लगभग 80 से तो अब हो ही है। तो इसका जाहिर सा मतलब यह है कि आपको अपने गांव में प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम 2 या 3 लड़के मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट जरूर हैं, जो क्या हैं, कम से कम ग्रेजुएट जरूर हैं। अगर 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ग्रेजुएट जरूर हैं, तो आप उनके पास जाइए। जैसे आपके पास भूगोल है, या फिर आपके पास हिस्ट्री है, या फिर आपके पास हिंदी है, या फिर जैसे मान लो फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ है, कॉमर्स है, तो मैं सोचता हूं कि आज सारे के सारे एजुकेटेड हैं। लगभग जो ये पीढ़ी आ रही है वो 100% तो नहीं, लेकिन 99% एजुकेटेड है। तो आपके गांव में कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट हैं। तो आप जो 12th वाले हैं या 12th से नीचे वाले हैं, तो उन वो भाई लोग ही तो हैं हमारे, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं करेंगे। अगर आप उनके पास जाओगे, आप उन्हें कहोगे कि हमारे स्कूल तो लग नहीं रहे, तो आप हमारी हेल्प करो, आप हमारी हेल्प करो, आप हमें सब्जेक्ट का नॉलेज दो, 12वीं का जितना भी नॉलेज इकट्ठा हो चुके तो हम करें, उतना नॉलेज आप उनसे लीजिए। जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक मेरी राय यही है कि आप जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो स्कूल वालों को पढ़ा सकते हैं, जाहिर सी बात है उनका स्कूल क्लियर है तो वो पढ़ा सकते हैं। तो आप उनसे जाकर पूछो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, आप उनसे विनती करो, आप उनके आगे हाथ जोड़ो, भाई साहब मुझे कैसे भी करके पढ़ा दे यार, बस जब तक स्कूल ना लगे तब तक मुझे पढ़ा दे, तो आपकी बात को वो नहीं टालेंगे। और मुझे कंफर्म पता है किसी भी गांव में आज के टाइम में लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट का 2 या 3 बंदा मिल जाता है। तो उन्हीं बंदों के पास जाइए आप, अगर आपके पास फोन नहीं है, अगर आप ऑनलाइन क्लासें नहीं लगा सकते, इतना पैसा नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपकी जरूर जो समस्या है उसका हल करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है अपने को, चाहे स्कूल लगे चाहे ना लगे, हमें स्कूल लगने या न लगने से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। आपको पता है पिछले कई दिनों में 60,000 से अब केसेस दिल्ली आ रहे थे, और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें, परसों की रिपोर्ट है, उसमें 73,000 समथिंग कोरोना के कैसे जा रहे हैं। तो स्कूल लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इससे अपने अच्छा है कि हम टाइम वेस्ट न करते हुए उन बंदों से जुड़ें जो हमारे ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो हमारे ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सके हैं, वो हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से दे सकते हैं। जैसे मेरा ही देख लो, मैं खुद हेल्प कर रहा हूं बच्चों की, मेरे पास मैथ है तो मैं मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीजों के लिए हेल्प कर रहा हूं मेरे गांव के बच्चों की। तो मेरे जो लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज यार आप भी उन बच्चों की हेल्प कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि भाई वास्तव में हेल्प करनी चाहिए। तो आपको लगा है तो आगे वाले को भी लगेगा, और शायद अपने बच्चों का भविष्य बढ़िया रह सके, शायद हम उसी जगह पर ला सकें उन बच्चों को
जो वो पहले थे, शायद हम उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा सकें ज्ञान। मेरे पास मैथ था तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तीनों सब्जेक्ट करवा रहा हूँ अभी 12वीं तक और बिना किसी फीस के। तो दैट्स ऑल, अगर आप फीस भी लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी फीस ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे हैं वो आराम से फीस दे देंगे आपको, कोई शंका नहीं करेगा। उसको पता है यार हमें भी सीखना है, उनको भी सीखना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और बेल आइकन दबाओ ताकि अगला अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल